Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are well. This is your EVS class. Please check out your agreed word part 4. So today we are going to start a new chapter. हम नया chapter start कर रहे हैं. The topic of this chapter is sources of food. Sources of food. Okay? So please page number 21. Move to page number 21. Chapter 4. Sources of food. Let's start. सोर्सेज ऑफ फूड यानी फूड हमें कहाँ से मिलते हैं. यूजुअली हमें जो फूड होते हैं वो मिलते हैं प्लांट्स से और एनिमल्स से, ये सब हम जानते हैं, है ना. अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट वन इज फूड फ्रॉम प्लांट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे वो फूड की जो हमें प्लांट से मिलते हैं. द प्लांट किंगडम इज लाइक अ फैक्ट्री वेयर फूड इज मेड. प्लांट किंगडम एक फैक्ट्री की तरह है जहाँ पे फूड बनते हैं. It is in fact a treasure house of food varieties. बल्कि ये एक treasure house है food varieties का, यानी यहाँ पे बहुत तरह के food varieties मिलती है आपको, एक treasure box की तरह है. Example, आपको apple भी मिलता है, आपको mango भी मिलता है जो कि fruits हैं, आपको cauliflower भी मिलता है, cabbage भी मिलता है जो कि vegetables हैं, आपको rice भी मिलते हैं, wheat भी मिलते हैं जो कि grains हैं, आपको pulses भी मिलती हैं, ठीक है. तो varieties of things आपको प्लांट से मिलती है, इसे से ट्रेजर हाउस कहा गया है फूड का. द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. जो ग्रीन लीव्स होती है वो प्रिपेयर करती है फूड प्लांट के लिए. ग्रीन लीव्स हैव अ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड कॉल्ड क्लोरोफिल विच इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड इन टू फूड. सो आपकी जो लीफ होती है, ठीक है, ये आपका फूड बनाती है, ठीक है. प्लांट में फूड कौन बनाती है, लीफ बनाती है. और इस लीफ को अपने फूड बनाने के लिए जो जो कंपाउंड चाहिए होता है वो एक तो इसी के पास होता है जो कि होता है क्लोरोफिल. ये एक पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. ये इसके पास खुद रिजर्व होता है, इसके पास खुद होता है. दूसरी चीजें लेते हैं सन लाइट. तो सन आपको एटमोसफेयर से मिलता है. एयर से आगे लेते हैं CO2, ये भी इनको किससे मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है. और फिर बाद में चाहिए होता है इन्हें वाटर एंड मिनरल्स, वो इन्हें मिलते हैं रूट से. जो प्लांट की रूट होती है वहाँ पर पानी डालते हैं, उसके थ्रू वाटर और जो मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये ऊपर जाते हैं आपकी लीव्स के पास और लीव्स में इकट्ठा हो जाते हैं. ये सब एक्युमुलेट हो जाते हैं एक जगह, वाटर, मिनरल्स, CO2 एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट. और फिर जो लीफ है वो अपना फूड बनाती है. और जब ये अपना फूड बनाती है तो ये एक काम करती है, एक तरह से वर्क हो रहा है ना. अब जब ये वर्क हो रहा है तो ये कुछ एनर्जी भी लूज करेंगे. जैसे हम कोई वर्क करते हैं तो हम थक जाते हैं बिकॉज हमारी एनर्जी लूज होती है, तो ऐसे ये भी एनर्जी लूज करते हैं. और ये जो एनर्जी लूज करते हैं बाहर निकालते हैं, वो निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन की फॉर्म में अपना जो वो होता है फूड होता है, अपना जो एनर्जी होती है उसे निकाल देते हैं. यहाँ पे फूड रह जाता है और एनर्जी जो बाहर निकलती है वो O2. तो ये हमें दोनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हमें खाना भी प्रोवाइड करते हैं, हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं और हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वेदर इट्स ह्यूमन बींग और एनिमल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और यही जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. So the making of food with the help of chlorophyll, sunlight, CO2, water and minerals are called photosynthesis. ठीक है, so ये क्या कहलाता है, photosynthesis. Releases oxygen gas, और ये oxygen gas निकालता है जैसे मैंने आपको बताया with energy की form में, which all living things require for breathing. जिसके सारे को सारे जितने भी आपके plant हैं, है ना, वो जितनी भी आपकी O2 निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, वो यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल. ठीक है, दस प्लांट्स नॉट ओनली प्रोवाइड फूड, दे ऑल्सो रेप्लेनिश द लाइफ सेविंग गैस ऑक्सीजन. ना ही ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, जो प्लांट होते हैं, ना ही ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये लाइफ सेविंग जो गैस होती है ऑक्सीजन गैस,
ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं। सिंस प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं और ऑटोट्रॉप कहते हैं। कोई भी कोई चीज़ को बनाता है तो उसे प्रोड्यूस करना कहते हैं इसलिए वो प्रोड्यूसर हैं। ऑटो मीन्स होता है अपने आप, ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, वो अपने आप चलती है। वैसे ही अगर कोई अपने आप खाना अपना बना रहा है, ठीक है, उसको कोई भी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे हम भी अपना खाना बनाते हैं लेकिन हम कुक करते हैं, उसको बनाते नहीं हैं। सो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड आर्टिकल्स फ्रॉम प्लांट्स विच हैव बीन डिस्क्राइब बिलो। हमें ज़्यादातर अपना फूड आर्टिकल्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं, जो कि नीचे गिवन है आपके में। फूड ग्रेन्स, सबसे पहले हम बात करेंगे फूड ग्रेन्स की। फूड ग्रेन्स वीट, कॉर्न, रागी, बाजरा एंड मिलेट एक्सेट्रा आर ऑल सीड्स ऑफ प्लांट्स विच आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर। सो आपका जो वीट होता है, कॉर्न होता है, रागी होता है, बाजरा होता है, मिलेट होता है, ये सब आपको फ्लोर बनाने में हेल्प करते हैं, यानी आपके आटे को बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, देन इज यूज टू मेक चपाती, दिस इज देन यूज टू मेक चपाती। उसके बाद ये चपाती बनाने में यूज होता है, ये जो आटा होता है हमारा, उससे हम चपाती बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं एंड अदर एडिबल वेराइटीज ऑफ फूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोमोज बनाते हैं तो उसकी बाहर की कवरिंग हमारी किसकी होती है? आटे की होती है। नूडल्स होते हैं वो भी बनते हैं हमारे किससे? फ्लोर से बनता है, आटे से बनता है। सो हमें जो फूड ग्रेन्स है उससे हमारे बहुत सारी एडिबल आइटम्स बनते हैं। राइस इज ऑल्सो अ सीड फ्रॉम विच द सीड कोट हैज़ बिन रिमूव। राइस भी एक सीड है लेकिन इसमें क्या होता है, आपके सीड कोट निकाल दिए जाते हैं, इसके ऊपर का जो कोटिंग होती है वो उसको निकाल दिया जाता है। इट इज़ अ मेन फूड फॉर द पीपल इन साउथ एशियन कंट्रीज एंड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे ज़्यादा साउथ एशियन कंट्रीज में खाया जाता है, और साउथ एशियन में हमारी कंट्री भी है क्योंकि हम साउथ में रहते हैं ना, नीचे की साइड है हमारा, है ना, नीचे की साइड है ना, सबसे नीचे, इसके नीचे क्या हमारा ओशन है, तो साउथ एशियन, एशिया के हम, तो साउथ एशियन कंट्री हमारी है, ठीक है। तो साउथ एशियन कंट्री में भी राइस बहुत खाया जाता है जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस जैसे हमारे इसमें अगर हम वो लगाएं तो हमारे यहाँ खाया जाता है, पाकिस्तान में खाया जाता है, चाइना में खाया जाता है, नेपाल में खाया जाता है, कोरिया में खाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी साउथ एशियन कंट्री है जहाँ पे राइस बहुत खाया जाता है। ऑल दीज फूड ग्रेन्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ये सारे फूड ग्रेन्स किस में रिच होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। मोस्ट ग्रेन्स आर हार्वेस्टेड बाई कटिंग द होल प्लांट डाउन विद अ साइट वेन द सीड्स आर फुली मेच्योर। सो जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको हम पूरी तरह से काट देते हैं, हार्वेस्ट करना मीन्स पूरी तरह से जब वो बन पक जाते हैं तो हम उसे काट देते हैं, ठीक है, और फूड की तरह यूज करते हैं। द कट प्लांट्स आर देन टाइड इन टू बंडल्स एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द ओपन और इन अ कवर्ड एरिया। और वो जो काटे हुए हमने प्लांट होते हैं, जो हार्वेस्टेड प्लांट होते हैं, उनको हम काटते हैं, उन्हें हम एक बंडल में रखते हैं और उन्हें सूखने के लिए किसी ओपन प्लेस में या फिर कवर्ड एरिया में रख देते हैं। ईदर वेज इन अ कपल ऑफ वीक्स व्हेन द प्लांट्स आर फुली ड्राई द सीड्स आर सेपरेटेड। और दोनों तरह में, चाहे वो कवर्ड में रखे हो चाहे हमने उसको ओपन में रखा हो, वो ड्राई हो जाते हैं और उन्हें फिर हम अलग से रख देते हैं ताकि वो अच्छे से सूखे और फिर उसके बाद हम उसमें से ग्रेन्स निकाल सकें। वी स्टार्ट विथ थ्रेशिंग, हम स्टार्ट करते हैं थ्रेशिंग के साथ। द ड्राइड प्लांट्स आर लेड डाउन ऑन अ लार्ज शीट ऑफ क्लोथ और प्लास्टिक कैप्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड पाउंडेड विद अ स्टिक और अ बैटन। सो थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का या क्लोथ का कपड़ा बिछाया या प्लास्टिक बिछाया, उसके ऊपर हमने क्या रखा, ग्रेन्स रखे और उसको अच्छे से कूट देते हैं, ठीक है। जो हार्वेस्टेड वो हमारे पास ड्राई क्रॉप होते हैं, ठीक है, उसको हम लेते हैं, उसको उसके ऊपर रखते हैं, उसे कूटते तेज मारते हैं, ठीक है, स्टिक लेते हैं, स्टिक से उसको कवर करके अच्छे से उसे मारते हैं ताकि उसमें से ग्रेन्स अलग हो जाएं। Alternatively, grains can be threshed by putting the whole plant in a bag and beating the bag on a hard surface. और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक बैग लें हम, ठीक है, उसके अंदर ग्रेन्स का वो डालें
और उसको पकड़ के इस तरह से, जैसे जो हमारे वॉशरमैन होता है वो धोता है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, तो उस बैग को उठा के ऐसे पलटना, ठीक है, उस बैग को उठा के ऐसे पलट देना। तो इस तरह से भी हम लोग ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं अपने क्रॉप्स में से। ओके, थ्रेशिंग इज स्टॉप्ड व्हेन ऑल और मोस्ट ऑफ द सीड्स हैव फॉलन आउट। और थ्रेशिंग को हम तब रोकते हैं जब हमारे सारे जितने भी ग्रेन्स होते हैं या सीड होते हैं वो क्रॉप से अलग हो जाए। द बल्क ऑफ द लेफ्ट ओवर प्लांट्स कैन बी गिवन टू द चिकन टू पैक थ्रू एंड देन यूज एज मच। सो जो बचा हुआ सामान होता है उसमें लेफ्ट ओवर होता है उसे हम हैन को खिला सकते हैं, हम काउ को खिला सकते हैं, हम उसको एज अ भूसे की तरह यूज कर सकते हैं हम उसे, ठीक है, जो हम अपने डोमेस्टिक एनिमल जैसे काउ गोट इन लोगों को देते हैं, है ना, इन सबको देते हैं। और उसके अलावा हम इसे एज अ मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी सॉयल में इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन होते हैं जो लेफ्टओवर हमारा सामान बचता है, ठीक है। सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स। In our next class, we are going to know more about types of things we get from plant. With this class end here, I hope you understand the here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.